प्रणाम वेल जी भाई। जीते रहो आलुओं से भरा हुआ ट्रक बाहर खड़ा है, सब्जी मंडी पहुंचाना है बैराम जी भाई को, जो आलू के बड़े व्यापारी है वहां पहुंचा दो। बैराम जी भाई को बोलना मुझे फोन कर दे। जाओ। जी हाँ, मैं फोन जरूर करवा दूंगा। नमस्कार। भैया, इस लौंडे के हाथ करोड़ों रुपयों के हथियारों से भरा हुआ ट्रक सौंप रहे हैं आप, क्या हो गया? अरे ये इतना भोला दिखता है कि कोई शक नहीं करेगा कमीने पर। हेलो, मैं अभी बुलाता हूँ। रवि को तो ये भी नहीं मालूम कि उस ट्रक में आलू के नीचे हेरोइन और हथियार है। बेचारा रवि। अच्छा ये बात है, बैठो, तुम इस पे लिखो अपनी कंप्लेन। तुम्हारी इस कंप्लेन पे तुम देखना मैं कैसे वेल जी को ठोकता हूँ तेल लगा के, सारे शहर में कुत्ते की तरह घसीटूंगा साले देशद्रोही को। क्या बकते हो, अभी तक ट्रक नहीं पहुंचा तो गया कहाँ? कहाँ गया? हेलो वेल जी, तेरा हथियारों से भरा हुआ ट्रक पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है। ये ट्रक वहां कैसे पहुंचा? अरे तेरा वफादार कुत्ता रवि यहाँ पहुंचा गया है। क्या हुआ पापा? अरे दूर हटो यार, हम रवि की होने वाली मौत पर आंसू बहा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि पानी में रह के मगरमच्छ के साथ बैर नहीं करना चाहिए, जो करता है वो मरता है। मार डालो साले को। ये नहीं पापा, मेरे पापा के साथ गद्दारी करने वाले को मैं मारूंगा पापा, मैं। क्या कर रही हो नीलम? क्या करूं भाभी, मेरी दाई आंख बहुत बुरी तरह से फड़क रही है। तू तो बहुत ही वहमी लड़की है। भैया जब भी मेरी दाई आंख फड़कती है कुछ न कुछ जरूर होता है। अरे कुछ नहीं होता बाबा, जा जाके सो जा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। तेल लगा के आखिर मैंने क्या क्या है? क्या है? देख इस लड़की की तरफ, क्या कहे ढाए तूने इस पर? मैंने? हाँ तूने, चाहता तो वेल जी और उसके बेटे की लाशें ले आता और तेरे कंधे पर लाद कर सारी दुनिया के सामने तेरी बेईमानी का जुलूस निकालता, लेकिन उन हरामजादों से ज्यादा रवि की मौत का जिम्मेदार तू है। रवि ने तुझे ईमानदारी दिखाई और तेरी बेईमानी ने उसे मौत। चल एफआईआर लिख। हाँ लिखवाइए। वेल जी के लड़के ने मेरे भैया और भाभी को मेरी आंखों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। बहन जी यहाँ साइन कर दीजिए तेल लगा के। अगर कल सुबह का सूरज निकलने से पहले वो लड़का सलाखों के पीछे नहीं हुआ तो तू मौत की सलाखों के पीछे होगा। बिल्कुल। एक बात और वेल जी से कह देना,
ये लड़की मेरी जान है। अगर किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसके सारे खानदान की आंखें निकाल दूंगा। ये आंखें जरूर निकाल सकता है वेल जी, तेल लगा के। तुम जरूरत से ज्यादा राजा से डर रहे हो मारू। मेरी जगह राजा ने तुम्हें धोया होता ना तो ये जबान चलने की बजाय हलक में अटक गई होती तेल लगा के। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन तुम मुझे ले जा नहीं सकते। देखो तुम लोग बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे और मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। मारो, हमारा बेटा हमारी जान है। अगर हमारे बेटे की जान को आंच आ गई तो हम कितनी जान ले सकते हैं उसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। यार प्रॉब्लम क्या है, हम लोग इतने बरसों के दोस्त हैं। मैं इसे ऐसे रखूंगा कि जैसे ये 5-स्टार होटल में हो। हाँ, इसकी जान पे एक ही सूरत में आंच आ सकती है और वो है वो लड़की जो आई विटनेस है। उस लड़की का क्या करना है, कैसे तेल लगाना है, ये तुम सोचो। चलो जा, शाबाश। आप फिक्र मत करो भैया, सिद्धार्थ मेरा भी अजीज है। उसे पहचानने वाली आंख को मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। कितने पैसे हुए? किए बगैर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, तब तक गोली का जहर तो इसके सारे शरीर में फैल जाएगा। डॉक्टर साहब, इस बेचारे ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नर्स, पुलिस स्टेशन फोन लगाओ। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर समझने की कोशिश कीजिए। एक अजनबी लड़की के लिए इसने इंसानियत के नाते अपनी जान दांव पर लगा दी और आप इसे पुलिस केस बना रहे हैं। आपका जमीर मर चुका है, इंसानियत दम तोड़ चुकी है। आप जैसे डॉक्टरों की वजह से हमारा इज्जतदार पेशा बेइज्जत और बदनाम हो रहा है। मैं करूंगी आपका इलाज, आइए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच।